मैं अनुभव यादव यही सिंगरौली में जन्मा और यही व्यवसाय करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मांगो मत, घर के अंदर खिड़की में से झांक के रहो, किसी दिन इनके अंदर कोई अधिकारी चेक लेके आएगा और खिड़की से आपको पकड़ा देगा। 10 साल से लगभग ब्लास्टिंग की मांग हो रही है, क्या 1 इंच भी इस एनसीएल के अधिकारी जो इतने हितकर बनते हैं, क्या हम हितकर हैं मोरवा सिंगरौली वासियों के, 1 इंच भी किसी के मकान का प्लास्टर का हो या बोरिंग का हो उसके नाम पे किसी को 10 रुपए दिया गया है क्या? इसके लिए तो बहुत बार कागजी कार्रवाई हुई। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए हम टीम बना रहे हैं, टीम जाएगी, बहुत लोगों के सेप्टिक टैंक टूट गए, बोरिंग फंस गई, मकान क्रैक हो रहे हैं, अभी एक ब्लास्टिंग में एक मकान गिर गया, कुछ भी हो मतलब ब्लास्टिंग है, 4 दिन सभी को पता है कि एनसीएल बहुत मोटी कंपनी का है और कितना फर्क बता दिया इस सिंगरौली को एनसीएल में। यदि व्यापारी मिलके अपनी दुकान अपना मकान अपने हिसाब से नहीं बनाए होते, व्यापारी धंधा मिलकर न कोई पूजा अनुष्ठान यज्ञ करे तो एनसीएल करवाने नहीं आता है। और हमको बताया जाता है कि घर में ठीक से बैठे रहो, एक दिन आएगा एनसीएल चेक कर देगा। नजीर पेश करना है विश्व में, अमेरिका से लोग आएंगे देखने की, भरभर में बताया गया है। अरे ये नजीर पेश करना था तो चंद्रपुर चक्का है, नंदगांव है, 50 मकान का नजीर पेश कर देते, बना देते कि हाँ देखिए हम ऐसा ही बताएंगे, बताएंगे उनके कहाँ नजीर पेश किया है। चला जाता नंदगांव में, पता था ना कि सिंगरौली को हटाना है, नंदगांव में 50 घर थे, वहां खूब मॉडल सा शहर बसा के और एक बना देता उदाहरण के लिए कि इसी तरह का हम बनाएंगे। ऐसा नहीं है, एनसीएल कोई नजीर पेश नहीं करेगा, हमको पूरी तरह से विश्वास है और उसे हमको लड़ के लेना है। एनसीएल कितना अच्छा विस्थापन लेगा और जब भी लेगा अपनी गरज से लेगा, हमारी गरज से नहीं लेगा कि हम बोलेंगे कि आज हमको समस्या है, हमारा व्यवसाय नहीं चल रहा, कंपन हो रहा, प्रदूषण हो रहा, हमको ले लो एनसीएल, हमको ले लेगा। और भलगढ़ जैसी प्रदूषित जगह में यदि वहां जाकर के, आज ही हमारा मित्र फोन किया जो भलगढ़ में जिसका घर है, बोले भैया फसल काटने का मन नहीं करता, इतना कोयले का डस्ट है वहां पे, तो जब उस प्रदूषण में ले जाना है, हमारे रोजगार का पता नहीं होगा, हमारे बच्चों के भविष्य का पता नहीं होगा, तो उसी जगह उससे अच्छी जगह पर तो हम आज बैठे ही है, वहां से कम प्रदूषण है। और सही बात भैया लोग बोल रहे कि खिरवा पिटता नहीं, हम क्यों बताएं, लेकिन उन्होंने बता दिया, नहीं नहीं साहब यहां पर बता दीजिए, उंगली दिखा के बताते हैं 4 किलोमीटर है बरगवा रेलवे स्टेशन। अरे इतना भलुगढ़ का इतना बखान हो गया कि हमको लगा कि हम लोग गलत जगह पर फंसे थे। 50 साल पहले हमारे पूर्वजों को भलुगढ़ में बसना चाहिए था। और बिना लड़े एनसीएल नहीं देगा नहीं देगा नहीं देगा, यहीं पर कोयले का यार्ड बना रहा था। भरी बरसात में पूरे सिंगरौली वासी जाके खड़े हुए यात्री होटल के पास, वो कैंसिल हो गया। बरगवा का क्या होगा भाई, विकसित जगह है ना, वहां तो विकास चाहिए, नजीर पेश करना है। बाकी तो सब आप लोग जान ही रहे हैं और एनसीएल ने क्या दे दिया है सिंगरौली को, किसी से छिपा नहीं है। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लंबी लड़नी पड़ेगी यदि अपना हक चाहिए तो। इतना मुआवजा नहीं मिलेगा कि 5 डिसमिल में यदि आपका ओरिजिनल घर है जिसमें आप रहते हैं और जिस लोकेशन पर हैं, उस मुआवजे में आप उस लोकेशन में जाके जमीन लेके और वैसा ही घर बना लेंगे, कुछ नहीं बचेगा हाथ में, 2-4 लाख कर्जा हो जाएगा। और ठीक है प्रदूषण है, सबसे बड़ा रास्ते कोयला चाहिए, रास्ते हम उसके लिए अपना त्याग अपना भविष्य अपना व्यवसाय सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, तो जो हमारा हक है वो तो दे दो, हम मांगे ही ना, हम कुछ अपना हक मांगे तो गैर कानूनी हो गया, हम लाठी थोड़ी चला रहे हैं। जैसे हमने रेलवे में आंदोलन किया था, जैसे कोयले यार्ड के लिए आंदोलन किया था, ऐसा ही आंदोलन करेंगे यदि हमारी बातें न मानी जाए तो। और बिना आंदोलन के नहीं मानी जाएंगी, नहीं मिलेगा। हम 24 मांगेंगे तो वो 20 देंगे, और वो मांगे ऐसी मांगी गई है कि वो गैर कानूनी नहीं है, कहीं ना कहीं दिया गया या कहीं ना कहीं हमारे भाइयों की सोच है कि हमको ये मिलना चाहिए, तब लिखा गया है उसमें। हम पहले ही डर जाएंगे, नहीं 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 इतना नहीं देगा, आपको कैसे पता इतना नहीं देगा, मांगे तब ना पता चले। तो यही है कि आप
सबकी ताकत ही इस मंच की ताकत है। जब भी कोई बैठक बुलाया जाए आप तैयार रहें और समय दें, क्योंकि अब बहुत गंभीर समस्या है जिसमें हमारा भविष्य टिका हुआ है, इसलिए आप सबका साथ ऐसे ही चाहिए, तभी इस मंच का बल बढ़ेगा। धन्यवाद।